कुछ लोग कहते हैं कि अगर एंजॉय करना है तो दुबई चले जाएं, क्या सदाकत है इसमें? अभी 5-10 साल में वो सब कुछ समझे उधर अभी से आया। वीज़ा चेंज हो जाता है? वीज़ा चेंज हो जाता है, इजीली हो जाता है। अगर आप इधर से कोई नौजवान जाता है, उसको कौन सा वीज़ा लेना चाहिए जिसके काम भी अच्छा हो, उसकी सैलरी भी अच्छी हो? जुर्म समझते हैं, इसलिए उन्होंने एक्शन लिया है। अभी जिस इलाके का उन्हों को बंदा मिला है ना भीख मांगने वाला, वो उन्होंने इलाके का विजिट बैन कर दिया, अभी भी नहीं निकल रहा है। इसमें तकरीबन 26 हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलमान अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान पब्लिक टीवी। नाज़रीन, आए दिन सुनने में आ रहा है कि दुबई के जो विजिट हैं वो बंद कर दिए गए हैं, तो इसमें कितनी सदाकत है? आज मेरे साथ एक ऐसे भाई मौजूद हैं जो कि 8 साल से दुबई में जो बिज़नेस कर रहे हैं। उनकी दो जो कंपनी है दुबई में, एक तो ट्रांसपोर्ट की है और दूसरी डिलीवरी की कंपनी है, तो इनसे जानेंगे कि इस बात में कितनी सदाकत है और क्यों जो विजिट वीज़े हैं दुबई के बंद कर दिए गए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र। अच्छा, जैसा कि आप बता रहे थे कि 8 साल हो गए हैं आपको दुबई में अपना जो है बिजनेस कर रहे हैं। भाई पहले तो थोड़ा अपना तारफ बताता हूँ। जी जी, हसन अख्तर मेरा नाम है, डिंगा सिटी से तल्लक है, तासा वाले मोहल्ले से, गुजर फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैं अबू धाबी में हूँ, तकरीबन 8 साल हो गए हैं उधर मुझे। ठीक है, स्टार्ट किया था बाइक ड्राइवर से। हाँ जी, राइडर से स्टार्ट किया था, फिर गाड़ी का लाइसेंस लिया, गाड़ी ली है, कुरियर में काम किया। अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवरी कंपनी भी है, ट्रांसपोर्ट की भी है, मतलब 2 लेमोजीन गाड़ियाँ भी उधर डाली हुई हैं, मतलब अच्छा खासा सेटअप बना हुआ है आज जो है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का शुक्र है, तो चल रहा है सब अच्छा। सुनने में आ रहा है कि दुबई के जो विजिट हैं वो बंद कर दिए गए हैं, क्या वजह है? कि पाकिस्तानी उधर काम नहीं ठीक करते या और कोई वजह है? ओके, इसका मैं आपको बताता हूँ। होता है ऐसा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उधर जो हम अभी रहते हैं ना, मतलब सिस्टम के अंदर है, आए दिन वीज़े भी निकालते हैं सब के, मतलब सिस्टम का भी मालूम होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको उधर भी नहीं पता होता है, इधर बंदों को ज़्यादा पता होता है। क्यों? उसका ये है कि उसमें अफवाह बहुत ज़्यादा होती है, उधर थोड़ी बात होती है, इधर पहुँचने तक वह बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसमें ऐसा वीज़े सुनी सुनाई बातें हैं, वीज़े सब के बंद नहीं है, विजिट जो है वो सिर्फ तकरीबन 26 डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़िले हैं जिनके बंद हैं सब के। गुजरात के अभी भी निकल रहे हैं, मंडी के अभी भी निकल रहे हैं, मैं बताता हूँ उधर ही आ रहा हूँ, मंडी के भी निकल रहे हैं बहुत सारे। जो ज़्यादातर ज़िले उसमें हैं वो सरायकी जो है ना, वो मतलब मुल्तान साइड के हैं, ठीक है, उस साइड के आते हैं। उसमें ये है कि उसके बहुत ज़्यादा बंदे उधर जाते हैं जो जाके भीख मांगते हैं, ठीक है, क्यों? बंदों ने ये बिजनेस बनाया हुआ है अपना, इधर से औरतों को लेके जाते हैं, उधर जाके उनसे मतलब भीख मंगवाते हैं, वो उनके साथ बच्चे भी होते हैं सब कुछ। और भीख मांगना जो मांगना उधर ऐसा है कि एक जुर्म है समझ लो, कि वो पकड़ लेते हैं उसको ना, वो एक्शन लेते हैं, इसके खिलाफ कानूनी जुर्म है, ठीक है। तो बहुत से बंदे जाके ऐसा करते हैं जिसकी वजह से हमारे समझ लो कि मुल्क की भी इमेज खराब होती है उनके नज़र में, तो उन ज़िलों की भी इमेज खराब होती है, ठीक है। हमारे जो उधर बंदे हैं सब के लिए मुश्किल परेशानी है ना, कि हमारे बंदे जाके उधर उधर का माहौल खराब कर रहे हैं, खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये सुनकर बहुत अजीब सा लगता होगा कि हमारे लोग इधर भीख मांग रहे हैं, और जो कि इधर कानूनन जुर्म है, इधर तो हमारे इधर भी मांगते हैं लेकिन इधर थोड़ा और है, इधर आम जुर्म समझते हैं, इसलिए उन्होंने एक्शन लिया है। अभी जिस इलाके का उन्हों को बंदा मिला है ना भीख मांगने वाला, वो उन्होंने इलाके का विजिट बैन कर दिया, अभी भी नहीं निकल रहा है। इसमें तकरीबन 26 हैं, ठीक है, अभी गुजरात का निकल रहा है, मंडी का निकल रहा है, और भी बहुत से हैं जिसके निकल रहे हैं। मैंने अभी परसों भी एक वीज़ा जमा किया था दोस्त का, तो अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 दिन में निकला है, वो उसका प्रोसेस हो गया सब कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। अगर इधर से कोई नौजवान जाता है, उसको कौन सा वीज़ा लेना चाहिए जिसके काम भी अच्छा हो, उसकी सैलरी भी अच्छी हो और जो वीज़े की पेमेंट है वो भी कम हो? ओके, ये बंदे पर डिपेंड करता है, ठीक है। उधर एक तो चीज़ ये है कि जैसे इधर हम आज़ाद काम करते हैं ना, ऐसा काम नहीं आप कर सकते, ठीक है, ठीक है। उधर शिरका मतलब जिस कंपनी जो बोलते हैं, कंपनी जिन लोगों की बनाई हुई है ना, मतलब अल्मोनियम का काम है, मिस्त्री का है, टाइल का है, जो भी है, जिसने उसकी कंपनी बनाई हुई है, बंदे के पास जो सा ऑनर है उससे कॉन्टैक्ट करे, यहाँ इधर से विजिट लेके जाए, उधर जाके मतलब अपना घूम फिर के देखे, जाके इंटरव्यू दे, किसी कंपनी में जॉब मिलती है तो उधर जॉब कर ले, जो भी सैलरी वो देते हैं वो बेस्ट है। अगर समझते हैं कि मैंने आज़ाद काम करना है, आज़ाद में फिर आ जाता है बाइक राइडर का, आ जाता है गाड़ी का, आ जाता है
या आप अपना ओन बिजनेस कोई करना चाहते हैं उधर, वो आ जाता है। फिर आप ऐसा है कि इधर से ज़्यादा वीज़ा लेके जाएं, ठीक है, उधर जाके वो 2 साल का वीज़ा होता है, 2 साल में आप अपना कोई भी कारोबार बना लें या लाइसेंस लेके गाड़ी पे जॉब कर लें या आपको जैसा मुनासिब लगता है वो, तो मतलब उस फील्ड में होता है। बस आपको थोड़ा उधर एक्सपीरियंस चाहिए, अरबी आनी चाहिए, मतलब कारोबार तो बहुत है उधर जी। आपकी नज़र से अगर कोई भी बंदा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है जिसके पास पैसा है, कि उसके लिए पाकिस्तान बेहतर है या दुबई बेस्ट है? ये तो बंदे पे डिपेंड करता है। अभी इधर कई कई बंदे हैं, ठीक है, जिनका इधर कारोबार है, ठीक है, वो अभी किधर भी यूरोप भी नहीं जाते, यूरोप जाते हैं विजिट करके वापस आ जाते हैं। मेरी मुलाकात वाले आदमी है, मेरी नज़र में कई आदमी है जिनका इधर है। ये एक सेटअप बन जाने की देर होती है, जिधर भी बन जाए, अगर इधर आपका अच्छा चलता है तो इधर वेल एंड गुड है, नहीं तो उधर तो फिर है ही अपॉर्चुनिटी है। उधर एक चीज़ और होती है कि जो लास्ट के चांसेस है ना वो बहुत कम होते हैं। हमारे कुछ भाई हैं उधर, कुछ अरसा रहकर आए हैं जी जी, तो वापस आकर बोलते हैं कि उधर तो काम ही नहीं है भाई, हम तो उधर हमें काम ही नहीं मिला, हम छोड़ के आए हैं। वो पंजाबी की एक मिसाल है ना, जेड़े इत्थे पैड़े लोअर भी पैड़े। हाँ, वही बात है, मतलब जिसने इधर नहीं ना करना उसने उधर भी नहीं करना, ठीक है, ठीक है। वो जैसे बोलते हैं कि उत्थे कौन सा रुखा नाल पैसे लगे ने, सेम वो ही बात है, ठीक है। उधर जाना है, उधर भी स्ट्रगल तो लाजिम आपने करनी है, ठीक है, जो भी आदमी है जो स्ट्रगल करता है उधर, मेरे ख्याल से उसको लास नहीं। मौसम कैसा है उधर का? मौसम के हवाले से गर्मी बहुत ज्यादा है इधर की निस्बत। मैक्सिमम जो होता है ना, मतलब गर्मियों में जो होता है वो होता है तकरीबन 45 से प्लस ही होता है नॉर्मली, ठीक है। लेकिन अभी जो है ना, तकरीबन मैं जब 8 साल पहले गया था उस टाइम बहुत ज्यादा गर्मी थी, ठीक है। उस टाइम अभी जो आप बोल रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में होता है ना, इस मौसम में भी ये जो मैंने भी जैकेट डाली हुई है ये भी नहीं जरूरत पड़ती थी, इतनी गर्मी थी। लेकिन अभी तो उन्होंने इतना सब्जा लगा दिया है, मतलब पौधे लगा दिए हैं बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से बहुत नॉर्मल हो गया है। अभी जो है सर्दियों में अच्छी खासी सर्दी होती है, गर्मी भी उस हिसाब से नहीं होती, गर्मी भी बहुत कम होती है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर एंजॉय करना है तो दुबई चले जाएं, क्या सदाकत है इसमें? हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। हाँ। इंटरनेशनल मुल्क है, जाहिर सी बात है, तो विजिटर सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से उधर ही आते हैं, ठीक है। तो एक चीज है, उनके पास नेचुरल ब्यूटी नहीं है। जैसे अभी पाकिस्तान में आप देखें ना, तो कश्मीर की साइड पे चले जाएं, गिलगित की साइड पे चले जाएं, जिधर भी चले जाएं, इधर जो है वो नेचुरल ब्यूटी है, उधर वो नहीं है। लेकिन उन्होंने जो मतलब बिल्ड कर दिया ना, बिल्डिंगें बना दी हैं, या मतलब फिरने टूरने के लिए सैर तफरी के लिए जो जो पार्क बना दिए हैं, मतलब वो तो लाजवाब है। एंटरटेनमेंट के लिए फुल है, फुल ऐसा ही है। मतलब जो जो फ्यूचर आने वाला है ना अभी 5-10 साल में, वो सब कुछ समझे उधर अभी से है, ठीक है। ड्राइवर लेस कार आ गई है, मतलब सब कुछ आ गया है। ये तो पाकिस्तान से तकरीबन 200 साल आगे, 200 साल वाकई ऐसी बात है। उनके रोड भी ऐसे ही है ना, उनके रोड भी ऐसे ही है, अभी इधर तो हालात ही नहीं है। अगर 60 दिन का वीजा लेना हो जी, तो आपका कितना मतलब खर्चा आ जाता है एक 60 दिन का वीजा? ओके, 60 दिन का विजिट का जो का सारा जो प्रोसेसर है इसका, जो प्रोजेक्ट है, हाँ, जो मैं बुक करता हूँ, जो वीजे की फीस है ना वो 750 है, 750 दिरहम वो इधर बनती है, तकरीबन 60,000 बनती है, 60,000 के लगभग बनती है, ठीक है। तो जो दूसरी बात है रहायश की या आपके मतलब फूड की अकोमोडेशन की, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक है। आप कौन सी एरिया में रहना चाहते हैं, ठीक है, चीपेस्ट में रहेंगे या मतलब आप कोई एक्सपेंसिव एरिया में स्टे करते हैं, या आप उधर कैसे घूमते हैं या फूड कैसा खाते हैं, वो चेंज हो जाता है, वीजा चेंज हो जाता है, इजिली हो जाता है। अगर आप इधर से, ज्यादातर बंदे विजिट भी जाते हैं, मतलब जिसके पास कोई डिग्री है, कोई डिग्री होल्डर है, या जिसके पास मतलब कोई हुनर है, कोई भी है, वो उधर जाता है। उधर जाके कंपनीज हैं डिफरेंट, बहुत ज्यादा हैं, उधर जाके आप अपना इंटरव्यू दें, अपनी CV दें, अगर कोई आपको हायर करता है तो फिर आप उधर इजिली वीजा चेंज कर सकते हैं। इन आउट का है, लेकिन वो अंदर ही उधर ही हो जाता है, मतलब आउट नहीं आपको जाना पड़ता, सिर्फ उसकी फीस ही होती है, वो आप पे करके तो ठीक है उधर बना सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि भाई की बातें आपको अच्छी लगी होंगी। इसी के साथ अपने मेज़बान सलमान अली को इजाज़त दें, देखते रहिए पाकिस्तान पब्लिक TV। अल्लाह हाफिज़। रब रखा, जज़ाकअल्लाह खैर।